तो किस लेवल पे आपने क्रिकेट खेला था जब शुरुआती दौर में? आई थिंक स्कूल लेवल पे मुझे मौका मिला था रवि शास्त्री के अंडर खेलने का, मुंबई अंडर 16 के टूर्नामेंट में, और फिर ऑफकोर्स कॉलेज लेवल पे गायशील हैरिशील लेवल पे बहुत ही पैशनेट था मैं क्रिकेट के बारे में। अगर बॉडी भी बनाई थी तो वो इसलिए क्योंकि सर विवियन रिचर्ड्स को मिलने के बाद जब उनसे मैंने पहली बार पूछा था कि आपके आर्म्स इतने बड़े आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं क्या, बोले नहीं मैं ज़बरदस्त छक्का मारने के चक्कर में मैंने बॉडी बनाई, तो वो मेरे जहन में रह गया था और उस वजह से मेरी बॉडी बिल्डिंग की पैशन शुरू हुई। लेकिन सर कई यंगस्टर जो होते हैं क्रिकेट या एक्टिंग में जाना चाहते हैं तो ग्लैमर पोर्शन उनको ज़्यादा नज़र आता है इस चीज़ में, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए आप? देखिए जब देश के लिए खेलेंगे तो ग्लैमर पोर्शन तो होगा ही होगा। आई थिंक देश के लिए जो खेलता उससे बड़ी अचीवमेंट कुछ है ही नहीं। फिल्मों की ग्लैमर तो मेरे हिसाब से कंपेयर ही नहीं कर सकते आप देश के को रिप्रेजेंट करने के कंपैरिजन में, तो आई थिंक क्यों नहीं, अगर कोई सक्सेसफुल हो और देश के लिए वो देश का नाम रोशन कर रहा है तो वो पोर्शन में उन्हें मिलना भी चाहिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज ये लीग्स के वजह से बच्चों को एक अल्टरनेट करियर मिल गया, एक पैशन मिल गया कि फिट रहो स्पॉटी रहो और कहीं ना कहीं आपको यू नो छोटे शहरों में भी वो टूर्नामेंट्स बनने लगे। आज आप सुप्रीमो को ही देख लीजिए, आप गाड़ी गिफ्ट में है, मोटरसाइकिल गिफ्ट में है, तो वो भी एक इंसेंटिव रहना चाहिए किसी स्पोर्ट्समैन के लिए। आज हम कंप्लेन करते हैं कि यार इसको इतना मिल रहा है उसको उतना मिल रहा है, समय समय की बात है और जितना मिल रहा है अच्छा ही। नहीं नहीं आई डोंट हैव सच काइंड ऑफ डीप पॉकेट्स, आई एम नॉट अ मल्टीनेशनल कि मैं क्रिकेट टीम खरीद पाऊँ, अपने आप को संभाल पाऊँ वो बड़ी बात है, बट पैशनेट हूँ क्रिकेट का। मुंबई मेरी कर्म भूमि है जिसने मुझे सब कुछ दिया है, तो मैं मानता हूँ मैं 100% मुंबई का हूँ और इसलिए मैं अगर सपोर्ट करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मुंबई इंडियंस को। तो जो भी मेरे मुंबई इंडियंस के टीम में रहेंगे उन्हें मैं सपोर्ट करूँगा और हमेशा सपोर्ट करूँगा, बाकी टीम्स को मैं एंजॉय करता हूँ बट माय सपोर्ट इज फॉर मुंबई इंडियंस। सर आप क्या कहना चाहेंगे सुप्रीम चषक पर जो ये टेनिस को से टूर्नामेंट होने वाला है कब से शुरू हो रहा है उसके बारे में बताएं? सुप्रीम चषक 2012 का 17 का जो है 12 तारीख को शुरू हो और 16 तारीख को उसकी फाइनल। सर जैसे सुनील शेट्टी जी का उनका आपको सपोर्ट मिल ही रहा है और ऐसे कितने बहुत सारे सुप्रीमो के लिए सपोर्टर्स हमारे हैं, राइट साइड में हमारे धनराज चिल्ल है, लेफ्ट साइड में लालचंद राजपूत है, चंद्रकांत पंडित है, संदीप पाटिल है, दिलीप वेंगसरकर है, बॉबी देवल है, सोहेल खान है, आई मीन आई थिंक जिनको भी हम बुलाएंगे वो डेफिनेटली आएंगे बिकॉज महाराष्ट्र की है ये, मुंबई की है और बाला साहेब के नाम पे ये टूर्नामेंट रखा हुआ। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर्स दैट महाराष्ट्र हैज एवर सीन एंड इंडिया हैज एवर सीन, तो आई थिंक सभी लोग आएंगे क्योंकि वो एक इमोशन भी जुड़ा हुआ उससे। हाँ 16 तारीख को हम लोग खेल रहे हैं और हम लोग इंडिया के दिग्गजों के साथ खेल रहे हैं, अभी टेंशन उनको होना चाहिए कहीं वो ना हारे, हमको तो टेंशन है ही नहीं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हारने के लिए ही निकले हुए हैं। तो अगर अभी लालचंद जी वही सोच रहे कि हाँ ये तो मैंने नहीं सोचा था अगर हार गए तो क्या होगा वो। आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग्स यू वुड एवर मीट, वो एक ऐसा इंसान जिनको कभी कॉम्प्लेक्स था ही नहीं, अपने उनकी एटीट्यूड इतनी पॉजिटिव थी कि कमाल की थी, पीक पे छोड़ के जाना संन्यास लेना वापस आकर वापस उसी पदवी पर उतनी बड़ी सुपरस्टार का होना आई थिंक ब्रिलियंट, एंड हमेशा क्लोज रहा हूँ उनका, तो आई प्रे फॉर हिम एंड आई विश हिम द बेस्ट ऑफ हेल्थ। आई मीन न्यूज़ भी आया था कि ही इज़ फार मोर स्टेबल, तो गॉड बी विद हिम। Thank you. Thank you.